दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं और ज्योतिष के उन गंभीर विषयों की जानकारी देते हैं जो कि आपको लगातार प्रभावित करते हैं। पहले हमने मंगलिक दोष की जानकारी दी थी बहुत डिटेल में। अभी शनि ने राशि परिवर्तन किया है, वो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक उसकी स्थिति क्या रहेगी, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बताएंगे कर्क राशि। कर्क राशि के ऊपर अभी तक शनि की ढैया चल रही थी, यानी शनि ढाई साल का चल रहा था। कर्क राशि के अंदर अगर हम देखें तो शनि के पास एक मारक स्थान है और दूसरा आयु का स्थान है। शादी कराने वाला भी है और साथ में मृत्यु देने वाला भी है। कर्क राशि के ऊपर इसका जो इफेक्ट रहा वो बड़ा तनावपूर्ण रहा। यहां ये शादी कराने वाला था, जिन बच्चों की शादी का टाइम था उन्होंने शादी की। शादी करने ही के साथ साथ सवा साल बाद उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई, क्योंकि पहले शनि ने शादी करानी है उसके बाद मृत्यु देनी है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनि कभी अच्छा फल नहीं होता और सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा फल नहीं देता। ढाई साल इस राशि के ऊपर इसका इफेक्ट रहा और शनि यहां पर सोने के पाए, यहां पर लोहे के पाए में चलता रहा और लोहे के पाए के अंदर आदमी के पास व्याधा, तनाव, शारीरिक कष्ट, मृत्युतुल कष्ट, बीमारियों पर खर्चा होना, इस प्रकार की स्थिति यहां पर रही। लेकिन 2 नवंबर को शनि हट गया ढैया से, आपके ऊपर इसका जो बुरा इफेक्ट था वो खत्म हो गया। लेकिन आपकी अगर कर्क राशि है तो शनि का गोचर अभी कोई कर्क राशि को प्रभावित करने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी शनि के ढैया का ढाई साल का प्रभाव झेला है। तो देखते हैं, शनि या शादी कराने वाला मृत्यु स्थान का स्वामी है, ये यहां पर बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए, शनि की ढैया आपके ऊपर ढाई साल चली, ढाई साल में उसने आपकी शादी कराई और जिनके अच्छे ग्रह उनके वैवाहिक जीवन बच गया, जिनका बच गया उनके बच्चे भी होंगे, इसलिए यहां संतान भाव पर बैठ करके जिनकी शादी हुई, जिन्होंने कंसीव कर लिया, उनके लिए संतान हानि का योग बना दिया। अब बनाएगा, अगर आपने कंसीव कर रखा है, किसी स्त्री ने कंसीव कर रखा है, तो मार्केट शनि होकर के संतान भाव पर शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए शनि संतान के लिए कष्टकारक हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं कोई, तो उस कंपटीशन में आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो वो टूट जाएगा इस समय, उसमें कलेश मारपीट की स्थिति आ जाएगी कर्क राशि वालों के लिए। और साथ में ये बड़े लोगों से संबंध का भी होता है, तो शनि का यहां पर बैठना आपके लिए नुकसानदायक हो गया। इसका मतलब कर्क राशि वालों को भी इसने नहीं छोड़ा। यहां पर अगले ढाई साल में अब आपको कहां कहां सावधान रहना है, अगर आपने बच्चा कंसीव कर लिया है तो मूंगा नग पहन के रखें, काले कपड़े ना पहने, शनिवार का व्रत चालू करें, शनि की पूजा चालू करें, शनि का यज्ञ कराते रहें। मेजर तकलीफ अगर हो रही है, गर्भपात होते हैं, तो आप शनि की एक पूजा करा सकते हैं, उसका यज्ञ कराने से जबरदस्त लाभ मिलेगा। हे शनिदेव, मेरी कुंडली के अंदर आप कर्क राशि के अंदर पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। अब इसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर आती है, विदेश स्थान पर आती है। कर्क राशि वाले, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने के लिए आपके लिए एक योग अच्छा बना रहा है।
आप बाहर जा सकते हैं। इसकी दसवीं दृष्टि धन बाप पर आती है, यहां से परिवार से अलग करेगा, क्योंकि शत्रु राशि है यहां पर और शनि एक सेपरेटिव ग्रह होता है, अलगाववादी ग्रह होता है। इसकी नेचर में अलगाव भी है और मारक भी है। इसका मतलब परिवार में किसी को मृत्युतुल कष्ट देना, परिवार से अलग कर देना, धन का नुकसान कर देना, धन की चोरी हो जाना, ये कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर यहां पर परिवार के लिए हानिकारक होगा। विदेश के लिए अच्छा होगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के योग आपके लिए बेहतरीन बने हुए हैं, क्योंकि इस समय लगन में उच्च का गुरु बैठा हुआ है और शनि यहां पर आ गया है। शनि और गुरु का नव पंचम योग ये आपको विदेशों से भाग्योदय करता है, और विदेश में जाकर के अगर बच्चा कंसीव करते हैं तो आपके लिए वहां पर उनको पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर गुरु की दृष्टि है। अब गुरु की दृष्टि यहां रोगेश होकर के भी है, इसलिए आप पुखराज यहां पहन सकते हैं। पुखराज पहनने से जो बार बार ये गर्भपात करेगा, जो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, जो आपकी पढ़ाई में रुकावट डालेगा, जो बड़े लोगों से संबंध खराब करेगा, जो प्रेम संबंध को तोड़ेगा, उनको गुरु बचा सकता है, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान का स्वामी होकर के प्रबल स्थिति में लगन में दिशा बल लेकर के ये उच्च होकर के बैठा हुआ है। इसलिए आप यहां पुखराज नग पहनेंगे तो आपको लाभदायक रहेगा। मूंगा पहनने से संतान के लिए हानिकारक नहीं रहेगा, साथ में आपकी जॉब और कैरियर बहुत अच्छे रहेंगे। अगर परिवार में कोई तकलीफ होती है तो यहां पर आप सूर्य का नग माणिक भी पहन सकते हैं, जिससे कि शनि का प्रकोप आपके धन के ऊपर नहीं आएगा। काले कपड़े आप वर्जित करें, वो बिल्कुल धारण ना करें, और शनि के मंत्रों का जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, तो आपके लिए लाभदायक योग रहेगा। दर्शकों, ये था कर्क राशि वालों की शनि का प्रभाव, क्योंकि उनसे शनि की ढैया हट चुकी है। कर्क राशि अगर आपकी है तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है। जहां जहां इफेक्ट था वो मैंने अभी आपको बताया, अगले 2.5 साल के लिए। आप भी जानना चाहते हैं शनि से संबंधित, शनि की ढैया से संबंधित, आपका कौन सा पाया है, आपकी शनि की ढैया का चंद्रमा यानी चांदी का पाया, तांबे का पाया, लोहे का पाया है या सोने का पाया है, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे मिल सकते हैं। शनि की शांति के लिए, पूजा पाठ के लिए, वैदिक पूजा पाठ के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एचएस रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी डीडी मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050030321 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 0112563857, मोबाइल नंबर 9212860908110063144। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 0222670793, मोबाइल नंबर 9820114249। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।